हम आज निमराना राजस्थान में अलवर में निमराना आता है। निमराना एक शहर है। सबसे पहले मैं आपको शहर दिखाऊं तो शहर बड़ा ही ब्यूटीफुल है और यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग एक फोर्ट है। और ये फोर्ट जो है ये 550 साल पुराना फोर्ट है जो कि अब एक होटल एक पैलेस में बदल चुका है। ठीक है, यहाँ पे लोग जो है काफ़ी स्टे करने आते हैं डे में, मतलब घूमने के लिए अलग से यहाँ पे मतलब फैसिलिटीज़ है, और अगर आप नाइट स्टे करना चाहते हैं वो अलग से फैसिलिटीज़ है। तो आज मैं और सन्नी दोनों हम लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं और अपना मतलब गुड़गांव से हम आए हैं अब सुबह, और अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और हम शाम को हमने वापसी भी करनी है। तो इस हिसाब से हमने प्लान बनाया कि सुबह आएंगे और शाम को जाएंगे। तो अगर आपको नाइट स्टे करना है तो वो भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ पूरी की पूरी ये प्रोवाइड करते हैं। और इसमें क्या क्या चार्जेस हैं, कितनी कॉस्ट बैठती है एक दिन आपका आने का, अगर आप सिर्फ डे आउट कर रहे हो यहाँ पे तो कितना कॉस्ट है, और अगर आप यहाँ पे स्टे करते हो तो कितना कॉस्ट है, ये सब मैं आज इसकी वीडियो में कवर करूँगा। तो जी हम सामने फाइनली एंट्री गेट के सामने पहुँच गए हैं और सामने एंट्री गेट है। अभी एंट्री गेट पर जाके देखते हैं कि कितने यहाँ पे चार्जेस हैं, क्या यहाँ की जो फीस है, और इसके अलावा इस चार्जेस के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या खाने को मिलेगा, घूमने को मिलेगा। और हम लोग आए हैं गुड़गांव से, तो गुड़गांव से हमें ये पड़ गया था 80-90 किलोमीटर हमने 2-2.5 घंटे में कवर कर लिए, क्योंकि अपने गाड़ी से आ रहे हैं यहाँ पे अपने व्हीकल से। अगर आप अपने गाड़ी से आते हो तो आपको 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, और अगर वैसे आता तो बहुत टाइम लगने वाला है क्योंकि यार रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह होता है। सो अगर आप अपनी गाड़ी से आते हो 2 घंटे में आराम से पहुँच जाओगे। तो अभी चलते हैं अंदर, सामने एंट्री गेट है, और देखते हैं कि कितने की टिकट है और क्या क्या इसके अंदर इंक्लूडेड है। सो जी अगर यहाँ पे आपने एंट्री करनी ना, उसके चार्जेस है 1700 पर पर्सन। ठीक है, 1700 रुपये में एक टिकट है जिसमें आप यहाँ पे 2.5-3 घंटे घूम सकते हो। इसमें खाना पीना आपका इंक्लूडेड है, मतलब लंच इंक्लूडेड है। सो 1700 रुपये की यहाँ पे फीस है और बहुत ही जेन्युइन रेट है वैसे। प्लस आपको जो यहाँ पे लंच मिल रहा है वो अनलिमिटेड मिल रहा है। सो ये बात मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी क्योंकि 1700 में अनलिमिटेड लंच, घूमने को एक नेचुरल जो फोर्ट है वो देखने को मिलेगा, पहाड़ों के बीच में ये पैलेस है। ठीक है, ये पैलेस पहले एक फोर्ट था और ये फोर्ट को धीरे धीरे वो कन्वर्ट करते करते इसको पैलेस में बना दिया। तो 1991 में ये जो फोर्ट है ये पैलेस में कन्वर्ट किया गया, और यहाँ पे अब टूरिस्ट आते हैं, रात को रहते हैं, डिनर करते हैं, स्टे करते हैं। जो यहाँ का लोकल जो राजस्थानी डांस वगैरह होता है, जो यहाँ का लोकल सॉन्ग्स हैं वो सब प्ले किए जाते हैं और यहाँ पे लोग उसको इंजॉय करते हैं। सो ये बहुत ही एक अच्छी डेस्टिनेशन है राजस्थान अलवर में। साथ में यहाँ पे सामने बहुत ही एक अच्छा शहर दिख रहा है। ठीक है, ये है हमारा निमराना शहर, निमराना। सो ये निमराना जो है ये अलवर में आता है राजस्थान के अंदर। बहुत अच्छा शहर है और शहर के बीचों बीच ये पहाड़ियों में एक यहाँ पे फोर्ट है जो कि अब पैलेस में कन्वर्ट हो गया है। तो ये अभी चलते चलते मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। और अभी हम जा रहे हैं वैसे लंच करने क्योंकि अभी 1:30 बज गया है, और जब हम यहाँ पे आए थे तो हमें 12:30 बज चुके थे, और अभी 1:30 बज रहा है। एंट्री करते करते थोड़ा टाइम हुआ है घूमते घूमते, और इन्होंने कहा था कि 1:30-2:30 बजे तक आपका जो है लंच रहता है, उसके बाद आपको 3:30 बजे यहाँ से एग्जिट करना है। तो अगर आप दिन में आते हैं तो सुबह 9 बजे ये खुलता है और 3:30 बजे इसको ये बंद कर देते हैं, मतलब जो विजिटर होते हैं जो दिन में घूमने आते हैं उनको 3:30 बजे यहाँ से जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ की हिस्ट्री की बात करूँ तो ये 550 साल पुराना जो है ये किला है, जो कि अब वैसे आपको पता है होटल में बदल दिया, और होटल में बदला तो इसके अभी 10 मंजिला ये होटल है जिसमें मतलब स्विमिंग पूल, अच्छे मतलब रूम्स हैं। और जो यहाँ के रूम्स हैं उनकी खास बात ये है कि वो राजा महाराजाओं के जैसे महल होते थे ना, उनके नाम से रखा गया है, जैसे हवा महल हो गया, राजमहल हो गया, इस तरह के नाम से रखा गया था। तो ये यहाँ की थोड़ी सी खास बात है। और यहाँ पे एक ना विंटेज कार भी, अगर आपको विंटेज कार का शौक है तो आप विंटेज कार चला सकते हो। बाहर हमने भी पता किया था तो विंटेज कार का जो प्राइस था वो था 1400 रुपये। 1400 रुपये में वो जो निमराना शहर है ना वहाँ पे इसकी राइड करवाते हैं, गेड़ी लगवाते हैं कि भाई जाओ पूरा शहर घूम रहा। 1400 रुपये उसका जो है टिकट था। ठीक है, अभी चलते हैं अंदर और लंच करते हैं। अच्छा गाना है ना।
लंच में भाई यहाँ पे ना 1700 की टिकट में देख लो, इन्होंने हमें बुफे सिस्टम दे दिया है और बुफे सिस्टम में सब कुछ अनलिमिटेड है। और मीठे में यहाँ पे इन्होंने हमें मतलब काफ़ी कुछ दिया हुआ है, तो खाना तो काफ़ी अच्छा लगा। इसके अलावा यहाँ के जो रूम्स हैं ना, उनका मैंने रेंट का मैंने पता किया था, रेंट यहाँ पे 7000 से शुरू होते हैं और 50000 तक जाते हैं पर नाइट। सो रूम थोड़े से महंगे हैं, बाकी जगह अच्छी है, घूमने की जगह अच्छी है। बस ये है कि थोड़ी सी अभी गर्मी का मौसम है, थोड़ी गर्मी हो रही है, अदरवाइज़ अगर आप सर्दियों में आते हो तो सर्दियों में बहुत अच्छी जगह है। काफ़ी कपल्स और काफ़ी यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे पार्टी शार्टी करने के लिए, कोई इवेंट वगैरह, और यहाँ पे वेडिंग शूट्स भी होते हैं, प्री वेडिंग शूट्स भी होते हैं। तो उसके लिए वैसे ये अलग से चार्जेस लेते हैं, मैंने बाहर एक बंदे को पूछा तो वो कहता अलग से चार्जेस लेते हैं प्री वेडिंग शूट के, तो प्री वेडिंग शूट के 40-50 हज़ार रुपये ही ले लेते हैं। बढ़िया की लोकेशन बहुत ऑसम है। सो ठीक है जी, यही थी आज की वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, जल्दी नेक्स्ट व्लॉग आएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।